दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे पेज पे। आप ये देखिए, हमने प्लांट जो M9 पे टीरेक्स गाला है वो पानी में रखा था, तो अब हम लगाएंगे इसको और पानी से इसे निकाल रहे हैं। ये देखिए आप, तो अब जो हमारा सबसे पहला इसमें काम रहता है वो ये रहता है कि इसकी जो जड़ें है, जड़ों को डिसइंफेक्ट करने का। जो ये जड़ें आपको दिखाई दे रही होगी, इसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे। तो डिसइंफेक्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो करते हैं, आप ये देखिए, ये वाला कॉपर कंपनी का है, वेनी गो क्लीन करके आता है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये मुझे लगता है, तो इसलिए मैं यही यूज़ करता हूँ। अगर किसी और ने कुछ और यूज़ करना है वो कर सकता है, पर मेरी पर्सनल चॉइस ये है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और जो ये प्लांट में जितने भी फंगस वगैरह होगी सारी ख़त्म हो जाएगी, और साथ में इंसेक्टिसाइड भी हम यूज़ करेंगे जड़ों में। तो आप ये देखिए, प्लांटेशन देखिए अब हम कर रहे हैं कि प्लांट किस तरह से एक्टिव हो चुका था। ये जो वाइट रूट्स इसमें आना शुरू हो गई है पानी में, तो हमने रखा हुआ थोड़ा हल्की हल्की इसकी जो रूट्स है वो आगे से हम रिमूव करेंगे। ये वाली थोड़ा डैमेज है, ये वाली थोड़ा, ये नीचे वाला पार्ट ठीक है, लगाओ इसको। दोस्तों देखिए आप, हम कौन सा क्लिप यूज़ कर रहे हैं वो आपको बताते हैं प्लांट आई के लिए। ये देखिए, ये वाला है जो वायर का बना है। वैसे इनिशियल स्टेज में वो जो दूसरा होता है प्लास्टिक का, वो यूज़ आप कर सकते हो, वो 6 रुपए के आसपास मिलता है, और ये जो है आपका 8 से 10 रुपए का मिल जाएगा। बल्क में लेंगे तो थोड़ा कम भी रेट इसका लग जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना यही लिया जाए, क्योंकि परमानेंट एक सोल्यूशन है। प्लास्टिक वाला टूट जाता है और ख़राब भी हो जाता है, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, और जो सेकेंड वायर होगी इसमें हम प्लास्टिक वाला यूज़ करेंगे। तो जो नीचे वाली वायर है उसमें ये वाला फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिए, इस तरह की साइट हमारी बन रही है, और इसमें जो हमने प्लांटेशन की है प्रॉपर, नीचे जो बेड बना है उसमें घास डाला है ताकि मॉइस्चर बना रहे, और अभी ये हमने लगाए हैं प्लांट, ये वाले ये पिछले कल लगाए थे, तो अब ये लगा रहे हैं हम। आप देखिए, बेड बनाने के बाद प्रॉपर सिंचाई करेंगे और फिर हम इसमें घास की मल्चिंग करेंगे। दोस्तों देखिए, ये हमारा प्लॉट है M9 हाई डेंसिटी का, जिसमें कि टीरेक्स गाला हमने लगाया है, बुकाई गाला, स्नीपरेड गाला। लगाने के बाद देखिए, हम शावरिंग कर रहे हैं। ये जो हमारी पावर स्प्रे मशीन होती है उससे कर रहे हैं। इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो पौधा है वो प्रॉपर तरीके से वायर के साथ टाई होना चाहिए, ताकि इसे हिले ना। ये देखिए,